हे फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी कुक बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ चॉकलेट ब्राउनी केक की रेसिपी, जिसमें फ्लेवर होगा चॉकलेट ब्राउनी का और मज़ा होगा केक का। तो चलिए फिर रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक कप मैदा ले लेंगे। इसमें हम ऐड कर लेंगे 1/4 कप कोको पाउडर और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और इसके साथ ही हम इसमें 1/4 टीस्पून सॉल्ट भी ऐड कर लेंगे और 1/2 कप हम इसमें शुगर पाउडर का यूज़ कर रहे हैं। और इन सारी चीज़ों को अब हम अच्छे से सीव कर लेंगे, अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और इसका एक हमें होमोजेनस मिक्सचर मिल जाए। यहाँ पे हमने इसे रेडी कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। यहाँ पे हमने 1 कप दूध लिया है। इसमें हम 1/2 टीस्पून विनेगर डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे ताकि दूध कर्डल हो जाए। इसके साथ ही हम अपना बेकिंग टिन रेडी कर लेंगे। इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे ब्रश कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पहले ही पार्चमेंट पेपर से इसे लाइन कर लिया है, आप देख सकते हैं। और इस तरीके से हम अपना बेकिंग टिन रेडी कर लेंगे। अब नेक्स्ट जो स्टेप है वो है हमारा यहाँ पे चॉकलेट को मेल्ट करने का, जिसके लिए हम डबल बॉइलिंग मेथड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैंने एक पैन में गर्म पानी में चॉकलेट डाल लिया है और इसे मेल्ट कर लिया है। इसके बाद मैंने इसमें 50 ग्राम बटर ऐड कर लिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स करके मेल्ट कर लेंगे जब तक कि हमें इसका एक लिक्विडी टेक्सचर ना मिले। अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छे से चॉकलेट पिघल चुकी है। हम इसे अच्छे से विस्क कर लेंगे ताकि इसमें अच्छे से एयर इनकॉर्पोरेट हो जाए और हमें एक अच्छा सा चॉकलेट और बटर का मिक्सचर मिल जाए। इसके साथ ही हम अपना बेकिंग का सेटअप भी रेडी कर लेंगे। यहाँ पे हम आज इसे एक कढ़ाई में बेक करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में सॉल्ट नीचे बेस में डाल दिया है और इसे हम मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लेंगे। और अब हम वेट और ड्राई इंग्रेडिएंट्स को साथ मिक्स करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमने जो दूध रेडी करके रखा था उसे बोल में डालेंगे और इसके साथ ही हम इसमें वनीला फ्लेवर डाल रही हूँ मैं। आप यहाँ पे वनीला एक्सट्रैक्ट का यूज़ भी कर सकते हैं। मैंने जो है 1/4 टीस्पून डाला है, आप 1/2 टीस्पून तक डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। और इसके साथ ही अब मैंने जो चॉकलेट का मिक्सचर रेडी करके रखा है वो इसमें मैं डाल लूँगी और इसे हम विस्क की हेल्प से अच्छे से मिक्स भी कर लेंगे ताकि ये एक दूसरे के साथ अच्छे से मिल जाएं। और इस बात का ध्यान रखें कि अगर आप बेकिंग जो है वो कर रहे हैं OTG में या फिर अवन में, तो 180 डिग्री पे 10 मिनट के लिए प्रीहीट कर लें। अब यहाँ पर ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छे से इसमें बैजेस में मिक्स करेंगे ताकि इसमें अच्छे से इंग्रेडिएंट्स मिक्स हों। और इस बात का ध्यान रखें, एक साथ डालेंगे तो इसमें लम्स पड़ सकते हैं, इसलिए इसे बैजेस में डाल के अच्छे से कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करें ताकि हमें एक अच्छा सा लम्प फ्री केक का बैटर जो है वो मिले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे 2 बैजेस ऑलरेडी मिक्स कर लिया है यहाँ पे चॉकलेट के मिक्सचर के साथ, और मैंने इसे 3 बैजेस में मिक्स किया है। आप चाहें तो अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग इसे छोटे छोटे बैजेस में मिक्स कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि इसे ओवर मिक्स ना करें और जो आपका बैटर हो वो लम्प फ्री रेडी हो ताकि हमारा जो केक है वो अच्छा फ्लफी सॉफ्ट बने। तो अब मैं ये लास्ट जो मेरा बैच है वो भी मैंने इसमें डाल दिया है और अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और केक को बेक करते समय ध्यान रखें कि आप गैस की फ्लेम को लोएस्ट पे ही रखें, और अगर आप OTG में या फिर अवन में बेक कर रहे हैं तो 180 डिग्री पे इसे पहले जो है वो प्रीहीट कर लें, उसके बाद ही इसे बेकिंग के लिए उसके अंदर डालें। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया, इसमें कोई लम्स नहीं है और ये बैटर बहुत ही स्मूथ बन के रेडी हुआ है। और इस बात का ध्यान रखें हमें इसे ओवर मिक्स नहीं करना है। अब मैं इसे अपने रेडी किए हुए बेकिंग टिन में जो है वो ट्रांसफ़र कर ले रही हूँ और इसे अच्छे से बेकिंग टिन में ट्रांसफ़र करने के बाद इसे अच्छे से सेट कर लें फैला के पूरे चारों तरफ टिन में, ताकि जो हमें एक अच्छा सा केक का सरफेस मिले। और इसके साथ ही मैं इस पे कुछ टॉपिंग्स डाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़े से वॉलनट्स लिए हैं, इसे मैं इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर ले रही हूँ। आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वॉलनट्स के साथ थोड़े से आमंड्स का भी यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इसका टेस्ट भी इसमें बहुत ही अच्छा आता है।
और यहाँ पर आप इसे ध्यान रखें कि जब भी आप इसे बेक करने के लिए डालें तो आपका अवन और आपका कढ़ाई दोनों ही अच्छे से गर्म हो। अब यहाँ पे कढ़ाई रेडी है बेकिंग के लिए और यहाँ पे मैं एक रिंग डाल रही हूँ, आप एक कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं इसे बेक करने के लिए। उसके बाद अपने रेडी किए हुए केक के मोल्ड को इसमें अच्छे से प्लेस कर दें और इसे कवर कर दें। एटलीस्ट 50 मिनट्स लगेंगे इसे बेक होने के लिए कढ़ाई में, वो डिपेंड करता है आपकी कढ़ाई के साइज़ पे भी और फ्लेम पे भी। अब यहाँ पे 50 मिनट्स के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ केक का सरफेस, देखिए कितना अच्छा ब्राउनी जैसा सरफेस आया है ना हमारे केक का, और कितना अच्छा ये ब्राउनी केक राइज हुआ है आप देख सकते हैं, और ट्रस्ट मी ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अब हम केक को अच्छे से ठंडा कर लेंगे और उसके बाद ही इसे डीमोल्ड करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं अब हमारा केक जो है वो ठंडा हो चुका है और ये बहुत इजीली डीमोल्ड हो गया है, हमारे पार्चमेंट पेपर में भी कुछ भी नहीं लगा हुआ, आप देख सकते हैं बहुत क्लीन बाहर आया है। एंड ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये केक दिखने में जितना अच्छा लग रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही डिलीशियस है। तो आप इस केक की रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और यहाँ पे हमारी ब्राउनी केक बनके रेडी है, तो अब हम इसे डिज़ायर्ड शेप्स एंड साइजेस में कट कर लेंगे। चाहे आप जिस भी शेप्स एंड साइजेस में इसे कट करना चाहें, आप इसे गर्म या ठंडा कैसे भी इंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसे थोड़े से चॉकलेट सॉस के साथ सर्व किया है। तो फ्रेंड्स, आपको अगर ये रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलर नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। तो नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ आपसे फिर से मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय बाय।